जी आपके टॉपिक्स मैंने देखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के मैंने टॉपिक देखे हैं, कुछ के मैं भी चेक नहीं कर पाई, वो भी मैं इंशाल्लाह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हमने आज जो बात करनी है वो ये कि आपके आपका जो थीम है वो क्या है, सब थीम क्या है, एंड फर्दर आपने उस पर टॉपिक कैसे बनाना है। ठीक है जी, एक चीज जो मैं बार बार कहती हूँ वो यही कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जब लॉग इन होना है तो आपने एक जो एमएस टीम्स है उसको भी लॉग इन करना है। ठीक है, वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की हो वहां से भी आपने लॉग इन होना है, और जो LMS पोर्टल है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का वहां से भी सेम उसी यूजर पासवर्ड से लॉग इन होना है जो आपको यूनिवर्सिटी में जो है वो मार्क होगी। तो मेक इट श्योर कि आपने उसी यूजर पासवर्ड से किया हुआ है लॉग इन जो आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। नाउ लेट्स सी कि हमारे जो थीम है वो क्या है। हमारा थीम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से हो सकती है, और उसके अंडर कुछ सब थीम्स दिए गए हैं जैसे कॉन्फिडेंस है, सेल्फलेसनेस है, इसके अलावा जो है वो रिमूविंग ऑफ शाइनेस आ जाता है, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास सब थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये सब थीम्स मैंने कल शेयर किए थे ग्रुप में, और जो स्लाइड्स हैं आज की वो भी मैंने कल वाली स्लाइड्स थी वो भी मैंने ग्रुप में शेयर किए हैं। आप लोगों ने यकीनन देख लिए होंगे और सबको आइडिया हो गया होगा कि इसमें कौन कौन से सब थीम्स हैं जिन्हें आपने यूज करने हैं अपने टॉपिक्स में। उसके बाद कल मैंने काफी दफा बताया था कि क्या करना है आपने इस प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी बार बार आपने टाइप फॉर्म में काम नहीं करना, सॉ जो है वो आपका काम नहीं होगा। आपका हैंड रिटन यानी हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट जो ये आपका जो काम है वो एक्सेप्टेबल है, एक चीज। दूसरी, आपने ये जो काम करना है ये इंग्लिश में होगा। तीसरी चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि जो मैनुअल आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है उसी पे आपका काम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई चीज यूज करते हैं तो वो काबिले कबूल नहीं होगी। जो पेजेस या असाइनमेंट पेपर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो काबिले कबूल होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका मैनुअल कहाँ से आप मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी ने तो मैनुअल भेजे नहीं है तो हम कहाँ से इसको लें। तो आप अपने पोर्टल पे जाएं, वहां पे आपका जो 8613 का एक लिंक दिया गया है जिसमें अभी ये 2022 साथ लिखा हुआ है, यानी आपके जो भी रिसेंट सेमेस्टर है इसके कोर्स कोड का लिंक है, वहां पे आप जाएं। तो वहां पे आपको 8613 पे आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ये एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है मैनुअल ऑफ रिच प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो वहां पे प्रोजेक्ट को अपलोड सबमिट करने की ऑप्शन है। वो सबमिशन का जो ऑप्शन है वो इंशाल्लाह यकम सितंबर से ओपन हो जाएगा, और यकम सितंबर से आप अपनी इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकेंगे। यकम से 20 तक ये आपके पास अपलोड करने के लिए क्लियर हो गया जी। अब इसमें आप लोगों ने जो है कंफ्यूज नहीं होना। आप बार बार आपने ये नहीं पूछना कि उर्दू में लिख सकते हैं या टाइप करके लिख सकते हैं। ये चीजें आपकी आपको मैं दो दिन से क्लियर कर रही हूँ। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी आपको, सो बी रिस्पॉन्सिबल, बी केयरफुल अबाउट इट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डेवलप टॉपिक फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक किस तरह से डेवलप करना है, तो सबसे पहले जो मेन चीज होती है किसी भी टॉपिक के अंदर वो तीन कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, टॉपिक बनाते हुए इन तीन चीजों को आपने ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लें बेशक। पहला, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करना चाह रहे हैं। यानी हम अगर शाइनेस को रिमूव करना चाह रहे हैं बच्चों की पर्सनालिटी में से, ठीक है, ये हमारा क्या है व्हाट। देन सेकंड थिंग इज हाउ, हाउ आर यू गोइंग टू डू, ये आप कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ हमारी टेक्निक आएगी, वो कौन सी टेक्निक है जिसको हमने यूज करना है ताकि हम किसी भी ट्रेट को बच्चों के बिहेवियर में से हमने रिमूव करना है या हमने उसको इनहेंस करना है, डेवलप करना है। नाउ द थर्ड थिंग इज टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व, यानी आपने किस पे ये काम करना है, वो पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तीन चीजें हो गई, ये तीन चीजें आपके टॉपिक का हिस्सा होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज है जी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपने क्या करना है। सपोज यू हैव सिलेक्टेड कॉन्फिडेंस एज अ सब थीम एंड यू वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस अमंग चिल्ड्रन, देन हम क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, ये हमारा टाइटल होगा डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। यहां से स्टार्ट लेंगे
उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाएगी, अब हमने टेक्निक ढूंढनी है, ठीक है, टेक्निक कैसे तलाश करेंगे। अब आपको, आप ये सोच रहे हैं कि जी डेवलपिंग कॉन्फिडेंस तो मैंने लिख लिया, तो मैं अब इसमें टेक्निक कौन सी यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इट्स वेरी सिंपल। आप गूगल पे जाएं, वहां पे आप लिखें हाउ वी कैन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, हाउ वी कैन एनहांस द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन आ जाएगी, जिसमें इंटरव्यू आ जाएगा, जिसमें स्पीच कॉम्पिटिशन आ जाएगा, जिसमें रीडिंग कॉम्पिटिशन आ जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट चीजें एक्टिविटीज आपके सामने आ जाएंगी। अब हमने क्या किया जनाब, कॉन्फिडेंस हमने सेलेक्ट किया सब थीम, फिर हमने टेक्निक्स फाइंड आउट की। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट इंगेजमेंट को एज अ टेक्निक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा टॉपिक क्या बन जाएगा, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस थ्रू स्टूडेंट इंगेजमेंट टेक्निक। अब ये तो था सेकेंड कॉम्पोनेंट जिसमें हमने देखा हाउ आर यू गोइंग टू डू, राइट, व्हाट एंड हाउ। नाउ टू होम, टू होम, अब हमारा ये टॉपिक का थर्ड पार्ट आ गया जिसमें हमने क्लियरली मेंशन करना है कि किस लेवल को और उस लेवल में किस स्पेसिफिक क्लास के बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं अपने रिसर्च में। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी रिसर्च में आप प्राइमरी लेवल लिख दें, सिंपली सेकेंडरी लेवल लिख दें, नो। अब देखिए प्राइमरी लेवल अगर हम लिखते हैं तो प्राइमरी लेवल का मतलब ये है कि हम वन क्लास से लेके टू थ्री फोर एंड फाइव इन क्लासेस को हम फोकस किए हुए हैं, और अगर हम एलिमेंट्री लेवल लिखते हैं तो इट्स मीन कि हम 6, 7, 8 को फोकस कर रहे हैं, जबकि हमें जो रिसर्च कंडक्ट करनी है वो एक स्पेसिफिक क्लास की होगी। ऐसे ही है, मैंने आपको डे वन पे बताया था कि वो इज एक्शन रिसर्च, तो हमने अपने टॉपिक में इसको क्लियर कट मेंशन करना है कि हम किस क्लास के स्टूडेंट्स को फोकस किए हुए हैं, वो ग्रेड 8 है, वो ग्रेड 7 है, वो ग्रेड 6 है, ये हम क्लियरली मेंशन करेंगे। अब देखें, अब इन तीनों कंपोनेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा टॉपिक कैसे डेवलप हो गया, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस थ्रू स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक अमंग ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा बड़ा क्लियर बन गया। अब टॉपिक पढ़ते साथ ही पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि इसमें किस चीज को लेके बात की गई, ठीक है, किस टॉपिक को लेके बात की गई, कौन सा इशू जो है उसको पॉइंट आउट किया गया है, कौन सा जो बिहेवियर था, मोड ऑफ बिहेवियर था, उसे यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो दिस इज द वे टू डेवलप अ टॉपिक। आप इसके लिए आपको एक प्रॉपर पैटर्न बता दिया मैंने, इसी को फॉलो करते हुए आपने अपना टॉपिक बनाना है। यानी सबसे पहले हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डेवलपिंग या एनहांसिंग का वर्ड, या इम्प्रूविंग का वर्ड, या रिमूविंग का वर्ड भी आ सकता है। रिमूविंग इसलिए कि शायनेस एक आपका सब थीम है ना, शायनेस, अब शाइनेस के अंदर हम इम्प्रूविंग तो नहीं ना लिखते, ना लिखते हैं डेवलपिंग शाइनेस अमंग द स्टूडेंट्स, ये तो नहीं कर सकते। तो शाइनेस वो एलिमेंट है किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी बिहेवियर का, जिसको हमने एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि शाइनेस इज नॉट अ गुड एलिमेंट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपने ठीक है जी, आप ये एनहांसिंग डेवलपिंग इंप्रूविंग या रिमूविंग का वर्ड हम यूज करेंगे, देन थ्रू या बाय यूजिंग, और जो भी सिलेक्टेड टेक्निक होगी, देन अमंग में हमने क्लास एज ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ एज ग्रुप ऑफ 12 इयर्स, ठीक है, या स्पेसिफिकली हम कोई ईयर जो है, सॉरी क्लास जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है जी, ये चीज होगी। उसके बाद है जब आपने टॉपिक लिखना है तो एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है आपकी सब थीम वाला, सब थीम में जितने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ये नहीं कि आप कहें कि जी रिमूविंग शाइनेस सब थीम है मेरा, लेकिन उसके अंडर मैंने टॉपिक कोई और ही बना दिया है, कि जिसका मतलब बेसिकली यही बन रहा है कि हम किस तरह से शाइनेस को रिमूव कर सकते हैं। नहीं, आपने जो सब थीम सेलेक्ट करना है वो सब थीम का जो वर्ड है वो एज इट इज आपने टॉपिक में भी यूज करना है, ठीक है जी। This is all about how you can develop a good topic for your action research. I hope के इस हवाले से आपको clear हो गया होगा कि आपने किस तरह से ये करना है. Is that clear? If yes, then we will go next. And if you have any kind of question you wanna ask, तो आप पहले मुझसे पूछ ले topic development के हवाले से, फिर हम आगे further topic discussion की तरफ आते हैं. जी अमजद एंड सोहा, आप लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं,
इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं. मैंने अभी तक जितनी चीजें आपको बताई हैं इस हवाले से, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछें, ठीक है? हाँ जी जवेरिया, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछना है तो आप जना पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू. नो वॉइस महविश को मेरी आवाज नहीं आ रही. क्या मेरी आवाज का प्रॉब्लम बाकी सब लोगों के साथ भी है या आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे जुल्करनैन इज सेइंग मैम एक बार रिपीट कर दें. क्या रिपीट कर दूं मुझे बता दें जी. नुशाबा फर्स्ट ईयर की क्लास पे नहीं, मैंने कल बताया था कि आपने जो है वो कोशिश करनी है कि स्कूल लेवल पे इसको करें, ठीक है? और शमा किस तरह से आपने टॉपिक बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया है. देखिए मैंने आपको इंतहाई आसान तरीका बता दिया है. जी सना एट क्लास का कर लें, आप सेवन क्लास का कर लें, सिक्स क्लास का कर लें. और जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है टॉपिक, मैं उनके टॉपिक भी देख लेती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस बारे में बता दूंगी. और लास्ट ईयर जो है अस्मा, लास्ट ईयर का आपने वेट नहीं करना, मैंने आपको काम जो है वो लास्ट ईयर से पहले ही कंप्लीट करवाना है ताकि जैसे ही आपका पोर्टल ओपन हो आप उस पर अपलोड कर दें. आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू टू वेट फॉर द लास्ट डेट और लास्ट मोमेंट्स, क्योंकि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना उनका रूल, गोल्डन रूल ये होता है कि वो वक्त से पहले ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने काम को मुकम्मल कर लेते हैं. महविश किस तरह से टॉपिक सिलेक्ट करने हैं भाई, अभी मैंने आपको जो बताया इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ, ठीक है? उसमें अच्छा एक बार और बता दूं, ठीक है चले. अच्छा सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के साथ ये जो स्लाइड्स शेयर की है ना, ये जरा आप लोग अपने सामने खोले, ठीक है? ये देखिए ये मैंने डे थ्री के नाम से आपके साथ जो स्लाइड्स शेयर की है इन्हें ओपन करें, उसके बाद फिर इसको भी पढ़ें और फिर साथ साथ आप मुझे भी सुनते जाएं. देन आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है? ये जरा आप जो मैंने पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर किए इन्हें ओपन करें, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है. थीम आपको पता है, सब थीम आपको बता दिए गए हैं. अब आपने करना क्या है, कोई एक सब थीम सेलेक्ट करना है. फर्ज करें आपने कहा जी मैंने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपने कॉन्फिडेंस का थीम सेलेक्ट, सब थीम सेलेक्ट किया. अब आपने जो टॉपिक बनाना है उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा, डेवलपिंग कॉन्फिडेंस या इनहेंसिंग कॉन्फिडेंस या इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं आप. आगे आप क्या करेंगे, थ्रू टेक्निक, आगे आपने टेक्निक लिखनी है. और ये टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं उसके लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे. आप गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें हाउ वी कैन इम्प्रूव कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी टेक्निक्स आ जाएंगी. उनमें से कोई एक टेक्निक जो आपको लगता है कि इसमें मैं बेहतर तौर पर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ उसको आप पिक करें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी डेवलपिंग कॉन्फिडेंस थ्रू स्पीच कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 ग्रेड 8. इस तरह से करके आपने ये टॉपिक बनाने. आप मुझे बताइए जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये चीज दोबारा से एक बार बता दूं, क्या उन्हें मेरी समझ आई है कि टॉपिक किस तरह से आपने सिलेक्शन करनी है टॉपिक की? जी आतिका मैं आप लोगों के टॉपिक चेक करती हूँ, अभी मैं टॉपिक्स की तरफ ही आऊंगी, पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर कर लेने दे. ये बार बार बताना उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमने टॉपिक कैसे करना है. डियर पार्टिसिपेंट्स याद रखें आप लोग एक क्लास है, एक ग्रुप है, और ग्रुप बनाने का मकसद क्या होता है? ग्रुप बनाने का मकसद होता है कि सबको हमने साथ लेके चलना है. अब अगर जिन्होंने जिनको समझ आ गई है उन्होंने जल्दी जल्दी टॉपिक डेवलप किए हैं मुझे सेंड कर दिए, हमें उन्हीं को फोकस करना शुरू कर दू. जिन लोगों को समझ नहीं आया अभी तक वो काम नहीं स्टार्ट कर पाए उनके लिए उनके साथ ज्यादती होगी. आज थर्ड डे है, आज मैं चाह रही हूँ कि एक दफा सब क्लियर हो जाए कि आपने टॉपिक बनाने कैसे हैं. बाकी तो 3 दिन है, वो इंशाल्लाह हमने टॉपिक फाइनलाइज करने में ही स्पेंड करने हैं, ठीक है जी? हाँ जी सनाई, आपने एक क्वेश्चन किया है जो मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा से बता रही हूँ. आपका टॉपिक यूनिवर्सिटी के दिए गए सब थीम्स में से ही कोई होगा, इससे बाहर आप कोई थीम कोई टॉपिक जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगी. अगर आप इन सब थीम्स के अलावा किसी और पे काम करती हैं तो वो आपको 0 मार्क उसका मिलेगा, ठीक है? आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, वो काबिले कबूल नहीं होगा. सही है जी, एनी अदर क्वेश्चन?
अभी आपके पास जो है ना नमाज ब्रेक से पहले तक का जो टाइम है वो सिर्फ इसीलिए कि आप मुझसे क्लियर करें सिर्फ कि आपने टॉपिक जो बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। जिन लोगों ने टॉपिक सेंड कर दिए उनके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर नमाज ब्रेक। हाँ जी आपका देखिए जहां तक प्रोफेशनल होने की बात है तो आपको पता है कि इस वक्त आपको पढ़ाने वाले भी जॉबियंस है पढ़ने वाले भी जॉबियंस है तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो जब हम लोग अपनी जॉब अपने ये जो क्लासेस चल रहे हैं ये भी लेके चल रहे हैं हम लोग एज अ फीमेल आप लोग कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर को भी मैनेज कर रहे होते हैं और फिर जब आप लोगों को काम करवाना है तो आप लोगों को भी एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है तो बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। लेकिन अगर आप लोग अपने जो आपके सुपरवाइजर होते हैं उनके उनके लिए सोचें कि जी अच्छा इस बंदे के पास इस बंदी के पास तो बड़ा फालतू टाइम है जो मुझे दे रहा है तो मेरे पास टाइम नहीं है। Nowadays, everyone is busy and everyone is in a hectic routine. तो हमें सारी चीजों को मैनेज करना होता है हमें सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी है और मेरा जो मकसद है वो यही है बेसिकली मेरा एम यही होता है और मैंने डिसाइड भी यही किया होता है कि मैंने सबको साथ लेके चलना है। अभी आप देखें जैसे आपने बताया कि बड़ी टफ रूटीन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं किसी का मैसेज आ रहा होगा मैडम मेरी तो शादी है किसी का मैसेज आ रहा होगा मेरा कोई रिश्तेदार बीमार है किसी का मैसेज आ रहा होगा कि मैडम कोई ये मजबूरी है तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने चलना है सारी चीजें आपने फेस करनी है निपटानी है भुगतानी है और इसके साथ साथ काम भी करना है। ठीक है जी और आपका मेरी भी यही कोशिश होती है क्योंकि देखिए सिर्फ आपके पास 8808 असाइनमेंट भी होगी ठीक है या आपके पास जो है वो किसी और की असाइनमेंट भी होगी असाइनमेंट्स लिखनी होगी आपने पेपर्स की तैयारी करनी होगी तो सिर्फ ये एक चीज नहीं है जिसपे आपने फोकस करना है। तो मैंने जो आपको काम देना है वो मैंने इसी हिसाब से देना है कि थोड़ा थोड़ा काम आपको करवाऊं लेकिन आपको टाइम से पहले मैं सारा कुछ वाइंड अप करवा दूं ताकि इन टाइम आप किसी किस्म की परेशानी ना हो। काम आप लोगों ने करना है मैंने जस्ट आपको गाइड करना है तो जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करेंगे मेरे गाइड करने का फायदा भी तभी होगा। अस्मा असाइनमेंट कितने पेजेस की होगी डीएल ये जब आप अपना मैनुअल डाउनलोड करेंगे मैनुअल में बकायदा पेजेस दिए गए हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने पेजेस पे काम करना है। ठीक है अक्सर ग्रुप में दो दो मैनुअल दिए गए हैं देखिए आप एक काम करें आप सिर्फ अपने पोर्टल पे जाएं वहां से डाउनलोड करें उसका प्रिंट निकलवा लें बाकी इधर उधर से कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा जी टॉपिक के हवाले से मुझे कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछें। मैं विश 5 पेजेस नहीं है 5 पेजेस पे तो हो सकता है कि 5 पेजेस जस्ट क्वेश्चंस के हो लेकिन आप मार्क्स देखें ना मार्क्स डिवीजन किस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हैं कुछ 5 मार्क्स के हैं तो इस हिसाब से आपने काम करना है। और जितनी डिटेल आप क्लियर कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है जिन चीजों की जरूरत ही नहीं है सिर्फ रेलिवेंट मटीरियल ऐड करना है रेलिवेंट डिटेल ऐड करनी है आपने। और जब हम ये प्रोजेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये कितना लिखा जा सकता है। थीम कौन सा सिलेक्ट करना है मानूर थीम और सब थीम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑलरेडी दे दिया गया है मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था अभी जो मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड शेयर की है उनमें भी देखें पहला पेज ही थीम और सब थीम का थीम एक ही होता है सबके लिए लेकिन हर सेमेस्टर में थीम डिफरेंट होता है सब थीम आगे कुछ डिफरेंट दिए गए हैं जो कि हर स्टूडेंट के पास चॉइस है कि उन सब थीम में से कोई एक अपनी मर्जी का सिलेक्ट करके उस पर टॉपिक बनाए। ठीक है तो आप जरा वो पेज देखें उसमें से कोई एक या दो सब थीम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करें उस पर टॉपिक लिखें और मुझे सेंड करें फिर उनमें से मैं आपको कोई एक फाइनल कर दूं और फिर आप अपना काम स्टार्ट करें। जी मिस एस आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं बिल्कुल नजर आ रहे हैं मुझे आपके और हु इज आस्किंग सर्च किधर से करना है मानूर सर्च आपने गूगल से करना है और क्या सर्च करना है टेक्निक सर्च करनी है। जी निम्रा आप सेंड कर दीजिएगा मेथड वही होगा जो आपने प्रीवियस किया हुआ है उसी मेथड से आपने अगर आपका बिल्कुल ये जो प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें भी हैंड रिटन ही काम करना था लेकिन चूंकि आपके थीम और सब थीम डिफरेंट है इस सेमेस्टर के लिए इसलिए आपको ये काम दोबारा करना पड़ेगा। और ये देखें जी निम्रा ने अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ये बात कि मैंने अपलोड किया था लेकिन अपलोड करने के बाद मेरी फाइल जो है वो डिलीट हो गई प्रॉब्लम हो गया तो आप याद रखें कि आपने बिफोर टाइम अपना काम अपलोड करना है ताकि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम भी आता है तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें।
मानोर असाइनमेंट में क्या लिखना है माय डियर, मुझे लगता है कि आपने दो दिन कुछ भी नहीं सुना, आपको कुछ पता नहीं चला कि मैंने क्या काम करना है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये बाकी सब्जेक्ट्स की तरह, बाकी कोर्स की तरह ये क्लास नहीं लेनी कि जनाब बस ऑन की क्लास और साइड पे रख दी, टीचर जो बोलता रहे अपने दीन ईमान से बोलता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये जो है ये आपका टेक्निकल कोर्स है, इसमें आपको हर चीज समझनी होगी, आपको सुननी होगी, तब जाके आप काम कर सकेंगे, वरना आप काम नहीं कर सकते। और बाकी रहा सवाल के जी आप कहेंगे कि जी हम कहीं ना कहीं से पैसे दे के ले लेंगे असाइनमेंट, कहीं किसी से बनवा लेंगे, किसी बड़ी बहन से बाजी से बनवा लेंगे, तो वो सीन अब नहीं होना। जो काम आपका खुद का किया होगा वही काबिले कबूल होगा, और साथ साथ आप काम करके मुझे चेक करवाते जाएंगे, तभी आपका काम जो है वो अपलोड हो सकेगा। हाँ जी तहरीम, आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। चलें जी ये भी बता देती हूँ कि 13 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चंस में एक ही टॉपिक को फॉलो करना है। ये आपने एक पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ये कंडक्ट करना है, ठीक है। इस पे आपने रिसर्च करनी है स्कूल में जाके, वहां पे आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, पोर्टफोलियो चेकलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। फिर उस रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक रिसर्च थीसिस लिखा जाता है, लेकिन थीसिस ये होता है कि वो एक डिटेल्ड रिसर्च प्रोसीजर होता है, एक बुक की सूरत में होता है, लेकिन इसमें आपने वो जो रिसर्च में किए गए तमाम स्टेप्स होते हैं उन्हें क्वेश्चन वाइज आंसर करना होता है। एक ही टॉपिक है, एक ही रिसर्च है, और लेकिन उन तमाम स्टेप्स को क्वेश्चन में अलहदा अलहदा डिफाइन करना है, अलहदा अलहदा लिखना है, क्लियर। और अस्मा मैंने हैंड रिटन कहा है भाई, असाइनमेंट हैंड रिटन होगी, रिसर्च प्रोजेक्ट हैंड रिटन होगा। तो फिर आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि जी पीसी पे लिखनी है, नहीं किसी पे भी नहीं लिखनी। मैनुअल को जो सॉफ्ट फॉर्म में दिया गया है उसे डाउनलोड करें, उसके प्रिंट निकालें अपने हाथों से, बल्कि अपने खूबसूरत हाथों से, अपनी खूबसूरत राइटिंग में इसको लिखें, ठीक है। क्लियर हो गया, जो मैनुअल आपके पास पड़ा हुआ है वो आपका सॉफ्ट फॉर्म में ही है, लेकिन उसे डाउनलोड करके उस पर आपने हैंड रिटन काम करना है। निम्रा अगर आपका हैंड रिटन काम नहीं था प्रीवियस सेमेस्टर में, तो काम हैंड रिटन ही था, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका इससे भी प्रीवियस जो है वो सेमेस्टर हो, तो उसमें सॉफ्ट फॉर्म में काम करना था। बहरहाल अभी आपने सॉफ्ट फॉर्म में काम नहीं करना, आपने हाथ से लिख के इसको जमा करवाना है। एनी अदर क्वेश्चन? टाइम है अभी आपके पास 7:30 तक, आपके 7:25 से 30 तक आपका पास यही टाइम है कि आपने सिर्फ इस जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है इसके हवाले से जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है स्पेशली टॉपिक डेवलप करने के हवाले से, वो आप मेरे से पूछें। आई एम हियर विद यू। उसके बाद हम 15 मिनट की नमाज ब्रेक लेंगे, और नमाज ब्रेक के बाद जिन लोगों ने मुझे टॉपिक सेंड किए थे उन पे फर्दर फर्दर हम बात करेंगे। ये मिस एस ए, तो आप अपने फुल नेम के साथ ज्वाइन किया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि जी स्टूडेंट का नाम क्या है, जो यूनिवर्सिटी ने आखिर आपको कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई आइडेंटिटी दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालदैन ने हमें आइडेंटिटी दी है, और फिर यूनिवर्सिटी ने उसी आइडेंटिटी को हमारा जो मान रखते हुए हमें वो प्रोवाइड किया। तो अपने फुल नाम के साथ आया करें, ताकि मुझे पता चले कि इस वक्त मेरे साथ खूबसूरत नामों वाले कौन कौन से खूबसूरत लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब लेसन प्लानिंग जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है, ये लेसन प्लानिंग से रेलिवेंट नहीं है। ये आपका एक्शन रिसर्च है, जिसमें आपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स के जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं या लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से आपने ये रिसर्च करनी है, ठीक है। समन, यस समन, यू हैव सच अ नाइस नेम, यू मस्ट लॉग इन नेक्स्ट टाइम विद योर ब्यूटिफुल नेम, राइट जी। अजगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, ये चैट जो ना, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ इसमें लिख रहे होते हैं तो वो काफी स्क्रॉल करना फिर मुझे ढूंढना मुश्किल होता है। ये अजगा आप मुझे कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, देन आई विल चेक। थैंक यू अब्दुल मनान फॉर योर कोऑपरेशन, फॉर शेयरिंग सच। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अभी मैं आपको बिल्कुल टाइम दे रही हूँ, बार बार पूछें, गलती की गुंजाइश नहीं है। जब आपको बारहा एक चीज गाइड कर दी जाएगी फिर आप मिस्टेक्स करेंगे, तो डेफिनेटली वो फिर कुछ मुनासिब नहीं लगता। कि बिल्कुल असमा, जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने एक ही वक्त में अपने LMS पोर्टल को और टीम दोनों को लॉग इन किया हो, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया है, ठीक है।
फिरदौस अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखें जहां पे आपकी मीटिंग चल रही है ना वहां पे एक जगह पे स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है, आप वहां पे डिवाइस स्पीकर और म्यूट ऑडियो आ रहा है, वहां से आप स्पीकर ऑन कर ले, इंशाल्लाह आपको आवाज बेहतर आएगी। ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट उसी टॉपिक सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा। इकरा जो प्रोजेक्ट होता है ना वो एक ही टॉपिक पे मबनी होता है, एक ही वक्त में आप हर सवाल के अंदर डिफरेंट टॉपिक तो नहीं डाल सकते ना। आप सवालों के जवाब कब देंगे, आप सवालों के जवाब देने के काबिल उस वक्त होंगे जब आपने एक प्रॉपर रिसर्च की होगी, जब आपने काम किया होगा तभी आप कर सकते हैं। ये ना तो आपके पास कोई बुक अवेलेबल है जिसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेंगे या रट्टा लगा लेंगे या अपने पास से गप्पे लगा लेंगे, ये वो सीन नहीं है। मैंने आपको बताया ये आपका एक बड़ा टेक्निकल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपने काम करना है फील्ड में, और उसके बाद वो अपना पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस होगा उसको आपने यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना होगा इस थ्रू योर रिसर्च प्रोजेक्ट मैनुअल। हाँ जी रबिया, आप मुझे पर्सनली सेंड कर दें क्योंकि ग्रुप में बहुत सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं तो इम्पोर्टेंट जो मैसेज होता है वो फिर रह जाता है। पर्सनली आप मुझे शेयर करेंगे अपने नेम अपने रोल नंबर के साथ एंड विद योर टॉपिक, देन आई विल रिप्लाई यू। एंड लेटर ऑन अगर कुछ और शेयर करने वाला होगा रिगार्डिंग योर टॉपिक तो हम उसको ग्रुप में शेयर कर लेंगे। नहीं कंजा, आपके लिए टीम्स की ऐप को लॉग इन करना जरूरी है, अगर आप टीम्स की ऐप से लॉग इन नहीं होते तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। सिर्फ पोर्टल से लॉग इन नहीं होना, आपने एक ही वक्त में पहले आपने सबसे पहले एमएस टीम्स को ऑन कर देना है, ठीक है, वो वहां से आपने लॉग इन किया टीम ऑन हो गया, उसके बाद उसे मिनिमाइज करते हैं अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं क्लास, फिर आप जाएं अपने एलएमएस पोर्टल पे, वहां से एलएमएस को लॉग इन करें, लॉग इन के साथ ही आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, उस ऑप्शन पे टीम्स के थ्रू लॉग इन होना है, आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगी कनेक्ट, फिर दोनों जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इकरा टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से मैंने अभी बड़ी डिटेल में बताया है, कुछ मैंने स्लाइड्स यहाँ शेयर किए हैं, उन्हें आप डाउनलोड करें, उन्हें एक बार पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने टॉपिक कैसे डेवलप करना है। जी रोजाना लॉग इन होना जरूरी है, वैसे तो आप ऑटोमेटिकली लॉग इन होते हैं, आपका पासवर्ड सेव होता है, तो आपने डेली बेसिस पे जब भी क्लास स्टार्ट होनी है तो एमएस टीम को ऑन करना है, उसके बाद आपने अपने पोर्टल से लॉग इन होना है और फिर आप क्लास लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। हाँ जी अगर आप लोगों ने ऑन किया होता है और लॉग इन हो जाता है ऑटोमेटिकली तो इट्स मीन कि दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपने लॉग इन कब करना होता है, अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं या आपका किसी और अकाउंट से स्विच हो जाता है तो आपने इसको वापस यूनिवर्सिटी के अकाउंट से स्विच करना होता है। ओके जी, अब क्या है बाकी कोर्स की असाइनमेंट? मानूर मेरा बच्चा, मुझे लगता है आपने कुछ भी नहीं सुना परसों से, क्लास अटेंड ही नहीं की इसलिए आपने आपको कुछ पता नहीं चला कि इस कोर्स कोड में और बाकी कोर्स कोड में क्या डिफरेंस है। बारहा मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी असाइनमेंट्स इसलिए क्वेश्चन सेपरेट नहीं है, दूसरी असाइनमेंट्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका बकायदा एक मैनुअल है और उसी मैनुअल में क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कोई किसी लेसन में से नहीं है, किसी चैप्टर में से नहीं है, किसी बुक में से नहीं है, वो आपकी रिसर्च के मुतालिक सवालात होंगे कि आपने अमली तौर पे जो काम किया, जो आपने स्कूलों में जाके काम किया है वो क्या काम था, कैसे किया, कैसे आपने डाटा कलेक्शन किया, आपने उसका कंक्लूजन क्या निकाला है, आपने उसका इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए, आपके टॉपिक से मुतल्लिक पहले से कोई रिसर्चेस अवेलेबल थी तो उनमें क्या क्या कहा गया है, आपने कौन सी साइट्स को चेक किया है, कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं, ये चीजें मेरा बेटा उसमें पूछी जाती हैं। मैंने इसीलिए आपको डे वन पे कहा था कि आप एक बार वो मैनुअल डाउनलोड कर लें, उन क्वेश्चंस को पढ़ लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सना मैंने यहाँ पे इधर ही चैट विंडो में स्लाइड्स शेयर कर दी हैं, वो आप देख लें। कंजा लग गई होगी इंशाल्लाह अटेंडेंस, बहरहाल इसको मैं चेक नहीं कर सकती बट आई एम होपफुल, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टाइम आप जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहें। दोनों चीजें आपने एक ही वक्त में ऑन करनी है और फिर आप इसमें हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट जी, ऑलवेज वेलकम। एनीवन एल्स वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो आप वो भी पूछें।
फिर मैं आपको उसका भी आंसर करती हूँ कि फिर हमने उसके बाद टॉपिक्स की तरफ आना है, क्योंकि जाहिर बात है जिन लोगों ने काम किया है डे वन से, अंडरस्टैंड किया है कि काम कैसे करना है, टॉपिक बनाए हैं, शेयर किए हैं, तो उनके टॉपिक्स को डिस्कस करना भी बेहद जरूरी है। जी अब्दुल मनान, मैंने कहा कि मैंने 15 मिनट का मैं टाइम देती हूँ और डेली बेसिस पे दे रही हूँ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सिर्फ आप लोगों ने नमाज नहीं पढ़नी होती, मैंने भी पढ़नी होती है, तो इसके लिए जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है। तो हमारा 7:25 से ऑनवर्ड 15 मिनट की हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है जी। और जस्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स यू कैन गो फॉर द नमाज। इसीलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रही टॉपिक डिस्कशन, क्योंकि मेरे माइंड में था कि पहले ये हम ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद बाकी का जो टाइम है वो हम टॉपिक डिस्कशन में यूटिलाइज करेंगे। निमरा, आपने टीम्स को भी ऑन करना है और LMS पोर्टल को भी ऑन करना है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बता दी, अब आपकी मर्जी, आप भले इसको करें या ना करें, ठीक है जी। ठीक है, अब आप लोग नमाज के लिए ब्रेक ले लें, बट आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है, यू हैव टू जॉइन बैक।